किसान भाइयों, मटर एवं मसूर एक दलहनी फसल है। हमारे प्रदेश झारखंड में बहुत से किसान इसकी खेती से जुड़े हुए हैं और वे इनमें लगने वाले रोग पाउडरी मिल्ड्यू, उकठा तथा सॉफ्ट रोट्स रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो है अभी हम लोग देखते हैं कि रबी की फसल में, दलहनी फसल में सबसे ज़्यादा कीट और बीमारी का प्रकोप होता है। तो बीमारी जो है वो झारखंड का यहाँ का मिट्टी जो है वो अम्लीय है, और अम्लीय मिट्टी होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर किसानों को नुकसान होता है वो है उकठा बीमारी। उकठा बीमारी से किसान जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको काफ़ी जो है नुकसान होता है। इसके साथ साथ जो मटर है उसमें सबसे प्रमुख बीमारी देखा जाता है वो है पाउडरी मिल्ड्यू, मतलब वो पत्ता फली सभी में जो है पाउडर, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर के रूप में वो भर जाता है। इसके अलावा जो है जब पौधे जो हम लोग देखते हैं कि सॉफ्ट रूट रॉट, एक इसमें बीमारी जो है वो काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। तो चाहे वह विल्ट हो या पाउडरी मिल्ड्यू हो या सॉफ्ट रूट रॉट हो, ये तीनों बीमारी एक ऐसा बीमारी है जिससे दलहनी फसल को काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाती है। और उसमें मटर जो है वो यहाँ पर बहुतायत मात्रा में इसकी खेती होती है, क्योंकि सब्जी मटर है और झारखंड का जो है यहाँ का मटर बहुत प्रसिद्ध है। इसको एक तो ध्यान देना चाहिए कि किसान बंधु सोलेनेसी का अगर फसल लिए हैं तो उसके साथ साथ नेक्स्ट फसल में हम लोग दलहनी फसल को न लें, या क्रूसीफेरी फैमिली जो लत्तर वर्गीय फसल है उसको अगर लिए हैं तो उसके साथ भी जो है दलहनी फसल को न लें। कम से कम 2 साल का क्रॉप रोटेशन फसल चक्र अपनाएं। किसी कारणवश ऐसी स्थिति में भी दलहनी फसलों की खेती करनी है तो मिट्टी का उपचार कर लेना बेहतर होता है। को अगर उस तरह का जमीन नहीं है, खेती करना ही पड़ेगा, तो ऐसी परिस्थिति में जो है हम लोग फिर मतलब मिट्टी का उपचार करते हैं। या अगर मिट्टी का उपचार करने के लिए है, अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ ज़मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लगभग जो है उसमें 1 क्विंटल जो है बुझा हुआ चूना या डोलोमाइट है उसका प्रयोग करते हैं, 1 क्विंटल जो है करंज खली का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम है उसको 50 किलो गोबर खाद में बढ़िया ढंग से मल्टीप्लाई करके गुणन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर 1 एकड़ में बिखेर देते हैं। तो ये करने से एटलीस्ट जो है हम कुछ 50% तक वो बचा सकते हैं, रोग बीमारी को बचा सकते हैं। तो ये एक विल्टिंग जो है, चाहे मसूर लगाएं चाहे मटर लगाएं, किसान बंधु को इसका जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम खेती करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो इसको करें। यदि 1 से 1.5 महीने की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप हो जाता है तो सल्फेक्स 80% का 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसे ही सॉफ्ट रूट रोट्स के लिए ब्लू कॉपर का इस्तेमाल करना चाहिए।